कुछ बात इंटरटेनमेंट की कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि नई पाकिस्तानी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 का आज प्रीमियर शो हुआ। जवानी फिर नहीं आनी 2 का सबको बेसब्री से इंतजार था। फिल्म स्टार नूर बुखारी फिल्म देखने पहुंच गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग शकील जाहिद से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। जी शकील जाहिद, बताइएगा की नूर का इस फिल्म के हवाले से क्या कहना है। जी जिस वक्त मुल्क में तब्दीली आ चुकी है, इमरान खान जो है वजीर आजम बन चुके हैं, फनकार इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नूर बुखारी जी, क्या कहना है आपका। जी बहुत अच्छी बात है और मैं ये कहती हूँ कि पहली दफ़ा ईद पर, बड़ी ईद पे ये हो रहा है, बड़े अरसे के बाद कि 3 पाकिस्तानी फिल्में इकट्ठे रिलीज़ हो रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अब हमें इंडियन सिनेमा की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। और हमारी पाकिस्तानी फिल्में आफ्टर मैंने तीफा एंड ट्रबल देखी, इतनी अच्छी फिल्म थी, उसके बाद मैं आप मेरी आंखों में चमक देख सकते हैं कि मुझे अपने इंडस्ट्री के लिए बहुत हाई होप्स हैं और मुझे पता है कि वी आर इन सेफ हैंड्स। अच्छा ये बताइए कि मुल्क में भी तब्दीली आई है, इमरान खान जो है वजीर आजम बन गए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो तब्दीली आएगी। इंशाल्लाह जी, देखें वो कहते हैं ना नाउमीदी जो है वो शिर्क का एक दूसरा नाम नाउमीदी भी है। अगर आप नाउमीद हो जाए, उम्मीद तो हम हर प्राइम मिनिस्टर से यही करते हैं कि वो मुल्क के लिए बेहतरी करे। खान साहब से भी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, अल्लाह करे खान साहब ने जो वादे किए हैं अपनी पहली स्पीच में, अगर तो वो वैसा हो जाए और वो जो एक मदीना की रियासत का एक बनाना चाहते हैं उस पर हम सब कहते हैं आमीन, तो अल्लाह करे ऐसा ज़रूर हो। जी अगर मदीना की रियासत वाला उन्होंने वादा किया है ऐसा हो जाए तो तमाम फनकारों का और तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया। जाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी जानिब